महाराष्ट्र की राजनीति इन दिनों गरमाई हुई है। सत्ता गंवाने के बाद से ही पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे, उनके बेटे और सांसद संजय राउत, बीजेपी और शिंदे गुट पर हमलावर हैं। हालांकि उद्धव गुट के लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। सत्ता जाने के बाद उद्धव गुट के रणनीतिकार संजय राउत को जेल की हवा भी खानी पड़ी। हालांकि संजय राउत तो जेल से बाहर आ गए हैं, लेकिन उनके गुट की मुसीबतें कम नहीं हो रही। अब उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे पर जोरदार हमला किया है। इसके साथ ही फडणवीस ने उद्धव ठाकरे और एनडीए सरकार को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया है। फडणवीस ने उद्धव ठाकरे की साजिश का खुलासा करते हुए हड़कंप मचा दिया। दरअसल फडणवीस ने विधान परिषद को बताया कि उनसे पहले महाराष्ट्र में शासन करने वाली उद्धव ठाकरे की एनडीए सरकार ने उन्हें जेल में डालने की साजिश रची थी। इसके साथ ही फडणवीस ने यह भी कहा कि एनडीए सरकार उनके अलावा बीजेपी के कई नेताओं को जेल में बंद करना चाहती थी। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आरोप लगाया कि उनकी गिरफ्तारी की जिम्मेदारी राज्य के पूर्व डीजी संजय पांडे को दी गई थी। फडणवीस ने उद्धव सरकार पर बदले की भावना से काम करने का आरोप लगाया और कहा कि मैंने सदन में एक पेन ड्राइव जमा की थी, जिसमें वकील और कुछ नेता ये साजिश कर रहे थे कि कैसे फर्जी मामले बनाकर हमें जेल में बंद किया जाए। बीजेपी नेता गिरीश महाजन, प्रवीण दरेकर को निशाना बनाया गया, प्रसाद लाड को निशाना बनाया गया और मुझे सलाखों के पीछे डालने की भी साजिश रची गई। संजय पांडे को किसी भी तरह मुझे जेल में डालने की जिम्मेदारी दी गई। इसके अलावा फडणवीस ने कहा कि ना तो वो आदित्य ठाकरे से डरते हैं और ना ही उनके पिताजी से। फडणवीस ने कहा कि उद्धव ठाकरे के नाक के नीचे से 50 लोग साफ हो गए और वो कुछ नहीं कर सके। फडणवीस ने यह भी कहा कि उन्होंने कहा था कि मुंबई जलेगी, लेकिन माचिस की एक तीली भी नहीं जली। फडणवीस ने एक और खुलासा करते हुए कहा कि कंगना ने आपके खिलाफ बयान दिया, आपने उसका घर तोड़ दिया, आपने उसके खिलाफ केस लड़ने के लिए वकील को 80 लाख रुपए तक दिए, ये किसका पैसा था? आपने निर्दलीय विधायक रवि और सांसद नवदीत राणा के साथ क्या किया? उनके द्वारा हनुमान चालीसा न पढ़ने का ऐलान करने के बाद भी आपने उन्हें 13 दिन के लिए जेल में डाल दिया। कानून व्यवस्था के बारे में बोलने से पहले आपको इस पर सोचना चाहिए। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।